नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी आजमी। आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स, सच के साथ एक कदम। अगर मैं आपकी बात को सही मानूं, इसका उद्देश्य ये था कि 70 वर्षों से बाबा साहब ने हमको दिया, वो हमें सीखा जा रहा है। तो उसके अगर तो कोई बात ही नहीं, मतलब उसको बचाया कैसे जाए, बचाने से कोई बात ही नहीं। जितने वक्ता मंच पर बोले हमारे बात कर रहे हो, उसके वक्ता रहे हो, किसी वक्ता ने इस विषय पर कोई बात नहीं की, उसको बचाया कैसे जाए। वो तो कोई ऐसे पकड़ा करके चला गया, कोई क्या नाम दूसरी बात बताकर बचाने की किसी ने बात नहीं। बेसिकली इसका जो प्राधान्य उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहे हमारे लोगों को। आज भी इस कार्यक्रम का गठबंधन क्या निकला है, आज के इस कार्यक्रम का गठबंधन ये है कि गाँव ऐसे ऐसे हमने ये बात पहुँचानी है। 70 साल के अंदर जो हमें आया था वो चला गया है और हम एक्टिविटी का अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाए, उसको एजुकेट नहीं कर पाए। उसको करना चाहिए, उसका लाभ लेना चाहिए और संविधान एक जो हमारी शक्तियाँ हैं उनको हमें जानना चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए। उनका इस्तेमाल नहीं करते हमारे लोग, उन्हें विचारों को पता भी नहीं है। इसलिए किताब उनको दी गई छोटी कि भाई आप उसको पढ़ो। आज सरकारी कर्मचारी आपके साथ हैं कि जहाँ भी आपको जो मिलती है एक्ट को समझने की, उसको लागू कराने की, वो आपकी सहायता करेंगे। सुनील में इंजीनियर है और उनसे हमने बातचीत में बहुत अच्छा लगा और हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। दिखाओ, आपके पास कोई सबूत है?
जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट जो 1976 की है, इसकी किताब आपको थोड़ी देर में मिलने वाला है, उसमें कोई सबूत की जरूरत नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने आपको जाति सूचक शब्द कहा, उस अधिनियम के तहत आपको कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। सबूत जिस आदमी ने कहा वो देगा कि मैंने नहीं कहा। इस किस्म की जो लॉ कानून इस देश के पार्लियामेंट में लाए हैं, इसको इंप्लीमेंट कौन नहीं करता? जो वो लोग करते हैं जो डॉक्टरों में थानों में बैठे, उनकी जिम्मेवारी है इसको लागू करना। थोड़ी देर पहले विंसन साहब ने भी ये कहा, जिन लोगों को जो कानून लागू करना चाहिए उनको लागू करना पड़ेगा। 1990 लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।